हेलो। मैं रीमा बोल रही हूँ। आपने कहा था कि अगर कोई काम हो तो आपको फोन कर लूँ। वैसे मैं आपको तकलीफ ही देना चाहती थी, पर एक जरूरी काम आ गया है। क्या आप प्लीज कावलून आ सकते हैं? जी, कितनी देर में? आधे घंटे में। अरे ओ, ए, ए, मारना नहीं, ये पहचाना नहीं मुझे, मैं पहचाना नहीं। अरे नहीं, अरे याद करो, हम लोग मिले, याद है तुमने मुझे जीवन दान दिया था? नहीं, मुझे याद नहीं। सिद्धार्थ सूद, मैं अपने होटल में खाना खा रहा था और तुमने मुझे किडनैप किया था जोधपुर में, याद है? हाँ। अरे तुमने मुझे जीवन दान देकर मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। अब मैं भगवान का सीओ हूँ, स्वदेश से आए हुए भटके लोगों को यहाँ सत्य का मार्ग दिखाता हूँ। यहाँ हांगकांग के बाहर एक मॉनेस्ट्री है, वहाँ रहता हूँ मैं। कभी आ जाओ ना हमारे यहाँ। ठीक है, आ जाओ ना आप। आऊंगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे आप, तुम भी कितने अजीब हो शिवम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हो, तुम यहाँ खड़े होके बातें कर रहे हो। आई एम सॉरी, आपको मिलने के लिए मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, मेरी वजह से, माफ कीजिए। न जाने हम भिक्षुओं को ऐसा क्यों लगता है, हमने दुनिया त्याग दी तो सब लोगों ने त्याग दी, लेकिन आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आइएगा मिलने, आना जरूर हमको मिलने। सॉरी। अच्छा बताइए, आप काम क्या करते हैं? मलिक साहब के होटल का इंचार्ज हूँ। मैंने आपको अपना कार्ड दे दिया था। हाँ, वैसे वो कह रहे थे कि आप काफी खतरनाक किस्म के इंसान हैं। I mean, आपको गुस्सा बहुत आता है। आपने कहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी काम है। एक्चुअली जब से मलिक साहब लंदन गए हैं, एक अजीब सा डर लगने लगा है, और आप विश्वास नहीं करेंगे पर मुझे लगता है मेरे घर में भूत है। भूत आपके घर में नहीं, आपके दिमाग में है। इस भूत का नाम तन्हाई है। कभी मैं भी आपकी तरह तन्हाई से भागा करता था, डरा करता था। फिर एक दिन मैंने उस तन्हाई से दोस्ती कर ली और सब ठीक हो गया। मेरी मानिए तो आप भी अपनी तन्हाई और अकेलेपन से दोस्ती कर लीजिए। चलो, आप कहते हो तुम अपनी इस तन्हाई से भी दोस्ती करने की कोशिश करके देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल एक और रास्ता है। वो क्या? मैंने एक तावीज़ बनवाई थी अपने लिए, यहाँ के एक मौलाना से। शायद वो बन गई होगी, उसे अपने दरवाजे पे बांध लूंगी तो चैन तो आएगा कि अल्लाह मियाँ मेरे साथ है, मेरी हिफाजत कर रहे हैं। आप प्लीज अंदर जाके मौलाना से वो तावीज़ ले आएंगे। मैं अंदर नहीं जा सकता। मस्जिद और मंदिर, मठ जैसी इमारतें मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा होगा अगर आप मुझे इनसे दूरी रखें। आई एम सॉरी पर हम औरतों को अंदर जाना मना है, और मुझे उस तावीज़ की बहुत ज़रूरत है। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ अंदर जाएं और वो तावीज़। जी जी कहिए।
रीमा जी ने मुझे भेजा है। हाँ हाँ हाँ, मौलाना साहब नमाज पढ़वा रहे हैं, आप बैठिए, जैसे नमाज हो जाएगी आप मिल लीजिएगा, बैठिए जी। अल्लाहू अकबर। दस मिनट की तो नमाज होती है, उसमें भी कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने, हद हो गई है। पता नहीं अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने कैसे रहते। तो सब्र नाम की कोई चीज होती है या नहीं? अरे यार, जब तुम नमाज पढ़ती हो ना, मैं बहुत अकेला पढ़ जाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें, तुम मुझसे कुछ कट सी जाती हो, मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लंबी बातें कर रही थी अपने अल्लाह मियां के साथ, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी तुम। आज मैं कुछ खास बातें कर रही थी तुम्हारे बारे में। मेरी चुगली कर रही थी तुम? चुगली नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। तुम सुन रहे हो ना शिवम? सुन रहा। तुम लोगों की बस एक यही परेशानी है, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सारी बातें समझ लेते हो। अरे जब ऊपर कोई है ही नहीं तो इसमें समझने की बात क्या है? हाँ, तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं, नहीं तो तुम कहीं और मैं कहीं और, खामखा तुम्हारे बगैर रहना पड़ेगा शिवम। आलिया, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है ना, वही मेरा ईमान है, वही मेरा मजहब है। मेरे लिए मेरा ईमान और भगवान सिर्फ तुम हो। तौबा तौबा शिवम, बस भी करो। और रही बात ऊपर वाले की, अगर वो है और उसने मुझे तुमसे मिलाया है, तो एक ना एक दिन वो मुझे अपना भक्त बना के ही छोड़ेगा। अब वो कब करता है, कैसा करता है, उसी पे छोड़ देते हैं। मगर शिवम, मेरी बात बस होगी, ऊपर वाले की बातें, भगवान की बातें, अब आए पे किसी और की बातें करते हैं। कुछ प्यार की बातें करते हैं ना, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। आलिया, आलिया मेरी, आलिया मेरी बात सुनो। आलिया, आलिया अब कहाँ जाओ, किधर भागोगी तुम? बेहयाई की सारी हदें तोड़ दी हैं आज तूने। सरे बाजार अपने आशिक की बाहों में बाहें डालकर घूम रही है। बेखौफ हमसे निगाहें भी मिलाती है। नजर नीचे रख बदतमीज। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं इससे। आपको मंजूर हो तब भी, ना मंजूर हो तब भी। हाथ मत लगा मुझे। एक तो तू गैर मजहबी है, ऊपर से गुनहगार भी है। तुझे बताया नहीं इसने इसका पेशा क्या है? चोर है ये, एक गुंडा है ये, और अपने इन गुनाहों की वजह से 2 बार जेल जा चुका है, 2 बार। मेरी बेटी से शादी करेगा तू? उसे हराम की रोटियां खिलाएगा? अगर आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देते हैं, तो अभी इसी वक्त यह हथियार, ये गुनाहों की जिंदगी सब छोड़ने के लिए तैयार हूं मैं। इस हथियार
और इस जिंदगी की क्या बात करता है तू? तू तो अभी इसी वक्त ये दुनिया छोड़ देने वाला है। बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। बोलिए। पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है जैसे मैंने आप जैसा तन्हा और अकेला इंसान आज तक नहीं देखा। शायद वो तन्हाई और अकेलेपन का भूत अभी भी आपके आसपास है। इस तावीज की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है।